सबसे जान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम और देखते हैं एक अच्छा सवाल कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान 7 kg है तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा। आपको बोला जी की वैल्यू 10 m/s है, गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू। तो हमको पता है कॉन्सेप्ट कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा का, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो क्या करते हैं तुरंत, क्या करते हैं 60 को 6 डिवाइड करते हैं 10, और हम 10 आंसर मार देते हैं। जबकि हम भूल जाते हैं कि सवाल क्या है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान, ध्यान से नहीं द्रव्यमान दिया है। आपको पता है द्रव्यमान कहीं भी ले जाओ, किसी भी अर्थ पे, किसी भी ग्रह पे, किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी जगह, तो जो आपका मास होगा यानी कि द्रव्यमान, वो बदलता नहीं, वो सेम रहता है, रिमेन कॉन्स्टेंट, बदलता नहीं है, ये बदलता ही नहीं है, हमेशा सेम रहता है। तो आप चाहे मून पे जाए, चाहे सन पे जाए, चाहे आप शुक्र पे जाए, बुध पे जाए, द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, वही होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, धन आप दीज, यानी कि 60 kg ही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप ये जी बाय सिक्स वाला कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब भार दिया होता है, यानी कि वेट, अगर वेट दिया होता है, जैसे बोलता 60 N है, क्योंकि वेट क्या होता है, m इंटू जी, जब जी से मल्टीप्लाई होता है तो वेट बनता है, यानी कि जी बदलेगा तो हमारा भार बदल देगा, जी जैसे बदलेगा और वैसे से भार बदलेगा। तो जब जी बाय सिक्स हो जाएगा तो भार भी क्या हो जाएगा, 1/6। जब जी 1/6 हो रहा है तो भार भी क्या होगा, 1/6। अगर